जहाँ जाती हो वहीं तैयार होती है। मेरी दीदी मेरे नेल का बुराई कर रही है, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और अभी खाना पीना खा के नहा वहा के चल रही हैं अपने सूट पे, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगी, और क्या हम करवाने वाले हैं वो भी आज ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए, कहाँ जा रहे हैं वो पता चलेगी आगे। और इधर ये एकदम सज धज के रेडी, और हम भी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए अपना, ठीक है। तो आज हम दिखाएंगे, हम कुछ ज्यादा ठीक है बोलने लगे हैं, तो पहले थोड़ा सा चाय कॉफी पीते हैं, फिर नेल एक्सटेंशन करवाएंगे, वो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये अभी अपना इयर रिंग, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस सब लाई है, और यहाँ पे मेकअप होगा क्योंकि ये तैयार होके रूम से नहीं आती है। जहाँ जाती हो वहीं तैयार होती है। तैयार हो चुकी है एकदम एक्सटेंशन के लिए। क्या पहले एक्साइटेड वो तुम्हारा वो नेल रिमूव करेंगे तो वो कर देंगे तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं होता है, ट्रांजिशन वाला। हाँ पहले से रिकॉर्ड कर। हाँ ठीक है, कौन सा करवाओगे चूज कर लो भाई। हम लाइट कलर नहीं करवाएंगे, तुम डार्क कराओ ना, डार्क टट बहुत सारे देख सकते हो गाइस, ढेर सारे। इसमें कौन सा करवाएगी, ये करवाओगी इस टाइप पिंक ना, हाँ इस टाइप के, ये सब भी बहुत सुंदर। ये ऐसा ही करवाएंगे, ये ना अच्छा लगे, अच्छा लगे। या फिर इसमें से कुछ ऐसा इस टाइप का करवा सकती हूँ। आप लोग कलर चूज कर लीजिए, मैं नेल पेंट निकाल लूंगी उसके बाद। हाँ लाइट कलर नहीं कराएंगे, सब्जी लग जाए। अरे इतनी साफ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं फिर भी लाइट कलर ये कराओगी? नहीं वो एकदम लगेगा। और गाइस यहाँ पे दीदी का स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो प्रोसेस। ये उससे कर रहे थे, ये वाला है ना, उसी से कर रहे थे उसका। मेरी दीदी मेरे नेल का बुराई कर रही है, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो। हाँ पूरा डिटेल्स गाइस आप लोग को बता देंगे, बहुत सुंदर इनका। थोड़ा सा छोटा सा मैं टूर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई डू नेल्स इनके ना, ये सलून का नाम है जहाँ पे अभी तो सिर्फ नेल सर्विस है, बाकी आपको कुछ दिनों बाद ना यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और गाइस ये अपना करवाने मेरा हो रहा था, तो हम बोले थे क्या भैया की कौन सा भैया फेवी कोई कहते जल्दी से टूट छूटता नहीं। ये सब बताना ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए उस पर कोई सब वो भी नहीं है पढ़ने वाला पर्ची उर्ची, ओ इसलिए चालाक ब्रो चालाक। हाँ कोई हाँ सब अपने घर पे करने देते तो भटके बैठ जाएगा ना। तुम्हारा मुंह नोचने के लिए सही है। हाँ यही सब करोगी क्या करोगी तुम। और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट वाला भी लगा है, बस देखिएगा इस कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक एक लाइन से तो हम नहीं दिखा पाएंगे, उतना हमको नहीं अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करने, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कैसे कैसे। हाँ इसका नेल फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, देखिए फाइनल लुक। ये देखो गाइस घंटों की मेहनत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आया है। फुल रील्स अगर आपको देखना हो ना तो आप देख सकते हो कहाँ पे, रचना पाठक वाले चैनल पे, ठीक है। दोनों पे ही हम लोग अच्छे से बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो गाइस। वाह कैसा लगा रे, कैसा लग रहा है, अच्छा लगा ना। हाँ तो चलिए फटाफट से शूट करते हैं और यहाँ से निकलेंगे जल्दी से, क्योंकि मुझे भूख को लगा लेता थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। चलो जल्दी से तुम्हारा। तो गाइस ये करवाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पटना सिटी, और यहाँ पे एक दो सूट होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्टल। तो सबसे पहले चाय पिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं, चाय पी के और फिर सूट स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। वीडियो का इंट्रो हो चुका है, रचना के वीडियो का इंट्रो हो चुका है और हम लोग को ना बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी क्योंकि ये लगवाने में बहुत टाइम लगा था वहां भी, और वहां भी सिर्फ कॉफी पिए थे और यहाँ भी सिर्फ चाय पिए है। और ये लड़की बैठी हुई है यहाँ पे और अब कुछ नहीं, और ना हम लोग वीडियो यहाँ पे करने आए लेकिन हमको ना झूम के पसंद आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बोला जा रहा तो सही पकड़ी, तो पता नहीं कौन सा झुमका ले जाएंगे भैया से फ्री में। कंप्लीट हो चुका है, अब देख सकते हो कितना ज्यादा सामान फैला हुआ है, और अब होगा मेरा सूट जिसका हम इंट्रो वगैरह सब कुछ बोल चुके हैं। बाकी एड्रेस हम कॉफी बिस्किट ये सब, भूख लगी थी यार बहुत। हाँ तो गाइस हम लोग वहां से आ चुके हैं और अभी बहुत सारा सामान मंगाए हैं घर के लिए, मतलब घर में जो भी यूज होता है वो सारा चीज, तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, तो चलिए दिखाते हैं एक एक करके। तो गाइस बहुत सारा सामान मंगाए हैं और हम लोग बाहर थे, ज्यादा सामान रखा हुआ है हर्ष के डेरा। हाँ तो हर्ष में ना बाहर थे ना तो वही लेके आया था, स्टार्ट करते हैं ये भुजिया, मेरा फेवरेट हमेशा, और 7-8 दिन से ज्यादा ये नहीं चलता है। हाँ। और दूसरा ये घर का सामान सोयाबीन है, सोयाबीन है। और पता है हम नाखून आज ही लगवा के आए, आटा वाटा गूथे, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वही चीनी है, ग्रोसरी का सारा सामान है, वही फॉर्चून मंगवाए, गरम मसाला, मीट मसाला, क्या मीट मसाला है, का मसाला MDH का है, और यहाँ पे कोकोनट, बहुत दिन के बाद बालों में तेल लगाएंगे, बहुत दिन के बाद, इसका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि रखे हैं। और ये सारा सामान ना ऑनलाइन आया, ठीक है, लेकिन मेरा भाई ना क्या किया, वो क्या बोलते हैं उसको, फाड़वाड़ के देख लिया कि क्या सब मंगाई है ये लोग। और गाइस ये रहा सूजी जो कि हम लोग हलवा बना के खाते हैं इसका, और ये है बेसन, बारीक बेसन, कैसे यार बोला कि वो क्या बोलते उसको, सामान नहीं है घर का इतना सारा, तो घड़ी का सामान, ये अगरबत्ती है भगवान जी के लिए, और भी कुछ कुछ हर्ष के रूम पे है, सारा फाड़वाड़ के देख लिया था, इसमें भर के दे दिया सामान, तो बस इतना ही है, ज्यादा तो है नहीं ना। अरे यार वो वाला नहीं आया, अगरबत्ती को रख दो भगवान जी के पास। मेरा नेल्स ना, हम ना इस कलर का लगाने वाले थे, पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का हमको पसंद आया था, लेकिन फिर सोचे ना कि बहुत ज्यादा जैसे सब्जी वब्जी खाएंगे तो रचना वाला हाल हो जाएगा, चम्मच से खाना पड़ेगा सब्जी और रोटी को तोड़ के खाना पड़ेगा, इस वजह से हम कलरफुल मतलब कलर वाला करवा लिए। और चलिए ये सारा सामान को पैक करके डब्बा में भर के रख देते हैं ताकि चले लंबे समय तक। बहुत रात हो चुकी है और हम लोग लेट से आए, थके भी हैं, तो ये ब्लॉग आज नहीं कल जाएगी।